अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर आपके सामने हाज़िर ख़िदमत। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलात पर मौजूदात पर गुफ्तगू होती है, अवामी मसाइल के हवाले से और दीगर कई मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से तमाम मामलात पर बात हुई, ख़ासतौर पर सेहत के हवाले से जो आपके सवालात मौसूल हुए उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह कुछ हमने तरतीब दिया है कि प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा होता है उसमें कुछ समाजी माशरती और सियासी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती है और इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें खास तौर पे आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं। आज भी अहम मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में की जाएगी और साथ साथ इस वक्त जो जारी सूरत हाल है कोशिश है इसके ऊपर भी प्रोग्राम में ज़रूर बात करें। कोरोना वायरस की वजह से अब तक के जो नुकसान हुए हैं उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में जो हमारी कोशिशें हैं वो सबके सामने हैं हुकूमतों की। इस हवाले से प्रोग्राम में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू माजी में की जा चुकी है, आने वाले वक्त में क्या तरजीहात हैं और कोरोना की शिद्दत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है उसके पेश नज़र क्या दोबारा से हिफाजती इकदाम किए जाएंगे स्कूल्स के हवाले से, ख़ास तौर पर अभी तक कोई वाज़ह पॉलिसी जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये तमाम मामला हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौजूद मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए उनको खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान अख्तर अरानी साहब सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन सिंध के, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर अरानी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए हमें, उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी। एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान शुजा हैदर साहब माहिर तालीम और इसके अलावा तज़ियाकार भी हैं, मुख्तलिफ मामलात पर उनसे गुफ्तगू रहती है, आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते रहते हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। एक दफ़ा फिर आज हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उन्हें भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शुजा भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर भाई तमहीद तो बड़ी लंबी बांध दी लेकिन सवाल आज भी वही है जो पहली वेव के मरतबा आपसे था, दूसरी वेव के मरतबा था, तीसरी मरतबा था, क्या ये हुकूमत की तरजीहात में शामिल है कि कोई तालीमी पॉलिसी मरतब कर ही ली जाए? अब ये कोरोना का सिलसिला तो अब मेरे ख्याल में ना रुकने वाला सिलसिला है, ये अगर आगे मज़ीद खुदा ना करे अगर और चलता है तो फिर आप अपना जो तालीमी जो सिलसिला है इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब ये वालदैन का सवाल बन चुका है, गुज़िश्ता रोज़ इसके हवाले से बहुत सारे पैगाम आए हमारे पास, देखने वालों ने पूछा कि ये सिलसिला आगे किस तरह बढ़ाया जाएगा। हर दूसरे दिन ये बात होती है जी स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा, अब आपके ख्याल में ये मसले का हल रह गया है कि तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया जाए तो कोरोना काबू में आ जाएगा? ज़रा फरमाइए। देखिए साल में आपको पता है कि पाकिस्तान में नॉर्मली तीन सीजन्स तो होते ही हैं जी, और उसी तरह से आप देख लें कि एक साल के अंदर थर्ड वेव आ चुकी है जी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि थ्रू आउट द ईयर ये वेव्स आती रहेंगी, कोई वेव ज़्यादा स्ट्रांग होगी कोई कम होगी और अगर इस वायरस ने अपना स्ट्रक्चर बदला तो मे बी कि ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है और ज़्यादा अफेक्ट भी कर सकता है। गो के वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है मगर ये एक प्रोसेस भी एक साल से ज़्यादा लेगा। पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है और अभी जो तरजीहात के मुताबिक 60+ को किया जा रहा है, इट विल टेक टाइम। अब एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या मतलब क्या कहूँ कि एक जुमला है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, जब साल में तीन लहरें आ सकती हैं तो हो सकता है चौथी भी आ जाए। अभी तो आप देख लें क्या पोजीशन है, तो खुदारा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें इसमें जीना हमें सीखना होगा जी, ठीक है ना। जाहिर है कि उसमें तालीमी इदारे, आप देखें मैं यूके के एग्जांपल दूंगा या पास्ट सेकंड लेयर के अंदर यूके में क्या हाल था या यूरोप के अंदर क्या हाल था, वहाँ उन्होंने ये कोशिश की कि ये डिबेट भी चलती रही मुख्तलिफ फोरम पर कि तालीमी इदारे वहाँ खुले रहे और कुछ लोग वहाँ पर उसके एंटी थे, हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये थी कि नहीं स्कूल खुले रहेंगे, उन्होंने एहतियाती तदाबीर की। हालांकि इम्यून सिस्टम पाकिस्तानियों का बहुत अच्छा है और बनस्बत उसके जो है उनका बहुत साफ सुथरे माहौल में रहने वाले लोग और उनका बहुत नाजुक है, तो अब उन लोगों ने भी इतनी हिम्मत की कि स्कूल खुले रखे जाएं, बिल्कुल उन्होंने तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की, वो तमाम जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो उन्होंने लिए। मगर पाकिस्तान में मुझे तो कोई प्रिकॉशन नहीं सवाए ऐलानात के, हुक्म देने के, इसके अलावा तो कोई ऐसा यानी कि प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। एक सिर्फ अभी नज़र आ रही है कि जी वैक्सीनेशन हो रही है जी, जी। क्या इसमें फंडिंग का कोई मामला है? ये सोचने पे मजबूर कर रहा है आवाम को, क्या कोई और चीज़ है? खुदारा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो हमारे जो तालीम जो होती है किसी भी मुल्क का, इंसाफ और तालीम ये दो चीज़ें मैं ये समझता हूँ,
हमें तो ये तवक्को थी, मैं कह रहा जहन कहीं और चला गया। तहरीक इंसाफ से मैं ये समझता था कि जब भी हुकूमत में आएगी इंसाफ की हुक्मरानी होगी, और जब इंसाफ मुल्क में आ जाए और तालीम शऊर पैदा होना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ पर बहुत से मसाइल हल करना होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही जब इंसाफ, तहरीक इंसाफ या जो इंसाफ पसंद लोग जो बड़े नारे लगाते थे वो कोई अवाम के लिए कुछ कर ही नहीं पाए तो फिर उस मुल्क में क्या होगा, अल्लाह ही हाफिज है। ऐसा ही, ऐसा अब देखिए, आपको पता है कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये बेसिकली वो इकोनॉमी है जो टोटल इकोनॉमी ये 500 बिलियन की इकोनॉमी है पाकिस्तान में, जो अलाइड इकोनॉमीज हैं जिसके अंदर जो सपोर्टिंग चीज़ें भी, इसमें स्टेशनरी भी है, इसमें बुक्स भी हैं, इसमें और तमाम वो चीज़ें जो मल्टीपल सर्विसेज हैं, तकरीबन ये 48 इंडस्ट्रीज हैं जो इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। मगर मजे की बात यह है कि ये वो फील्ड है, ये वो इकोनॉमी है जो पेरेंट्स की सेल्फ जनरेटेड है, यानी कि पेरेंट्स आर्टिकल 25A के मुताबिक गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है कि मेरे बच्चे को जो है आप तालीम देंगे। बिल्कुल ठीक है। 2.25 लाख प्राइवेट स्कूल हैं, 2,12,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, जो कि उसके अंदर यानी हर 5 में से 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो छोटा सा स्कूल है चाहे वो बड़ा स्कूल है। बिल्कुल ठीक है। अब हर यानी 5 में से जब 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इवन एक प्यून का बच्चा भी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा भी है, ग्रेड 1 का, स्केल 1 का, 2 का, वो भी जो है एक प्राइवेट स्कूल में जाता है, बेशक 500 या 1,000 वाले में जाए या इससे ज़्यादा में भी। मैंने ये भी नोट किया है कि किसी का स्केल 14 है मगर वो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, 15 से 20 हज़ार वाले स्कूल में उसका बच्चा जाता है, बच्चा जाता है, घर एविडेंस है, एवरीवन नोस, गवर्नमेंट के लोग जानते हैं कि उनके ऑफिस के अंदर जो क्लरिकल टाइप के लोग होते हैं, जो 16 से डाउन वाले होते हैं, उनके बच्चे बड़े ब्रांडेड स्कूल्स में जाते हैं जिसमें 20-25-30 हज़ार रुपये फीस होती है, और किसी के 2-2-3-3 बच्चे हैं, अपनी उस सैलरी से तजावुज कर जाते हैं वो। तो वो तो खैर एक फिर नया टॉपिक खुल जाएगा। इससे बेहतर ये है कि हम ये सोचें कि जो सेल्फ यानी कि खुद से क्रिएट करने वाले, अपने अपनी मदद, आपके तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर अब ये भी तस्दीक हो गई कि बेयारो मददगार छोड़ दिया, यानी एक पैनी, एक मुहावरा है, जुमला, एक पैनी, एक रुपया खर्च नहीं किया कोविड के दौरान प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों और उसमें सर्विसेज देने वाले जो टीचर्स थे या जो भी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को किसी को जो है कोई हेल्प नहीं की गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक माह की तनख्वाह ही फेडरल गवर्नमेंट दे देती, फेडरल गवर्नमेंट देती तो सूबाई गवर्नमेंट भी 8वीं तरमीम के कुछ ना कुछ उनको भी ख्याल आ जाता कि हम भी कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर दें आपके मुल्क के, आपके मुल्क की यूथ को, अपकमिंग जो जनरेशन है उस न्यू जनरेशन को आपके प्राइवेट सेक्टर कैटर कर रहा है, सर्विसेज कर रहा है, जिस मुल्क में इंसाफ तो दूर की बात है, आप बुनियादी तालीम, फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो भी वालदैन बेचारे अपनी मदद, आप जो है वो बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर हाल ये है कि उनके जो कमाने के जराए थे, मैं अभी आपको अगर डेटा स्टेटिक्स शेयर करूँ, जो वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ ने इस तरह की बातें की हैं, तो पूरी दुनिया का उन्होंने एक रिसर्च की है जिसमें 161 कंट्रीज के अंदर रिसर्च की है इकॉनमी और एजुकेशन के हिसाब से, उसमें ये पता चला कि पूरी दुनिया में 20% बच्चे जो है वो स्कूल इस कोविड से पहले नहीं जा रहे थे, 80% जा रहे थे, अब वो 80% से कम होके 61.5% हो गए, यानी कि आप कितने रिड्यूस हो गए, यानी कि अगर आप टोटल दें आउट ऑफ स्कूल बच्चे तो वो अप्रोक्सीमेटली 39 के बराबर है, 39% है पूरी दुनिया में, मगर क्योंकि वहाँ पर बड़ी हार्ड वेव थी, मगर पाकिस्तान को जब हम लकी कहते हैं, इसकी आवाम का ये जिगरा है और ये अल्लाह ताला ने उनको के एक अनायत कर दिया है कि जी वो थोड़ा सा यानी कि अच्छा, अब आपका ये तस्दीक हो गई कि आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे, आपने एक रुपया खर्च करने पर नहीं है, आप प्रिवेंटिव एक्शन लेने पर कोई भी सपोर्ट नहीं करते, खुद ही पढ़ाओ, खुद ही करो, मरो जो कुछ मर्जी करो, मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जो कि तस्दीक हो चुकी है सर। बिल्कुल ठीक है। जब लावारिस छोड़ दिया आपने अपने वोटर्स को, आपने आप जाके असेंबलियों में, मैं ये कल भी एक जगह कह रहा था कि जब एक MNA MPA इलेक्शन कर के बाद जो है वोट लेकर, अवाम का वोट मैंडेट लेकर जाके सीट लेता है, बिल्कुल ठीक है, फिर वो सीट लेता है और वो अमानत है उसकी सीट अपने हल्के की, फिर वो जब
जाके वोट देता है सेनेट के, क्योंकि सेनेट को डायरेक्ट पब्लिक तो वोट नहीं करती, मगर पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, इलेक्टेड लोग करते हैं, और वो वहां पर मुक मुकाव करता है, वो अपना मैंडेट करोड़ों रुपए में बेचता है, बिल्कुल, और फिर वो अपनी पार्टी से बेवफाई करता है। तो जिस मुल्क का ये हाल हो वहाँ कौन सी जमहूरियत भाई। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसके ऊपर अभी आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, इसको जरा डिस्कस कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर भाई, कैसे हैं? आइए आप गुड, आइए आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके मौजूद मेहमान को सलाम करना चाहूंगा, और ये इनके जो दिल की आवाज है ना, वो यकीन करें हमारे लोगों की आवाज है। मैं लिटरली बताऊं, जो ये बातें कर रहे हैं और ये जितने इरिटेट हो रहे हैं, मैं भी इतना इरिटेट कर रहा हूं। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, एक मेरा बेटा इसी से कर रहा है, मेरे बेटे ने इंटर किया, लेकिन यकीन करें बाखुदा यासिर भाई, मैं चाहता हूँ चले 19-20 चीजें आदमी कर लेता है ना, अपने पेट काट के बच्चों को पालता है, बच्चों की तालीम के लिए खर्च करता है, लेकिन तालीम हासिल करना कितना दुश्वार हो गया। आप बिल्कुल करें, कोरोना जो है ना, मैं आपको बताऊं, और इस पे भी मैं प्रोग्राम कर लें, लोगों ने हिम्मत नहीं की, लोगों ने कोरोना फोबिया एक अलग चीज है, कोरोना एक अलग चीज है, कोरोना फोबिया की आड़ में आप अपने अपने मकासद हासिल करना चाह रहे हैं और अपनी चीजें करना चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग। तालीम के जो ताल्लुक है ना, तालीम यकीन करें मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बच्चों के आप आए तालीम के लिए, बच्चों के अंदर इतना फैला भी नहीं है ना फैलता है, ये दुनिया की रिकॉर्ड है, और हमारे यहाँ तो ये चीज इतनी है नहीं। आप तालीम हासिल करने के लिए तरीके का इख्तियार करें, कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं बंद कर देंगे, बच्चे इतने कंफ्यूज है। चले ऑनलाइन, मैं मानता हूँ ऑनलाइन, बताएं किस बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए, बड़े स्कूल के अलावा बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिसकी 1500 रुपए फीस है, जिसकी 800 रुपए फीस है, 400 रुपए फीस है। यासिर भाई मैं आपके प्रोग्राम में कसम खुदा की कह चुका, चले यार आप, मैं कहता हूँ मान ली आपकी सारी बात, तो यार आप फैसिलिटेट तो करें, 500% पता नहीं कितने परसेंट यूज लैपटॉप पे यकीन ड्यूटी इन्होंने कर दी है। तो एक जुल्म है ना, कि आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन है, तो आप एक सहूलत तो देंगे ना ऑनलाइन, आप मैं कोई बिजली की तारों पे तो नहीं पढ़ सकता, मुझे तो वाईफाई चाहिए, मेरे बच्चे को जो है लैपटॉप चाहिए, तो भाई मैं तो हम तो सजेशन भी दे रहे हैं, भाई आप इस तरह करें कि आप लैपटॉप फ्री कर दें, लैपटॉप दुनिया में जो पैसे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ अपडेट होता रहता है, वहाँ हजारों की तादाद में लैपटॉप पड़े, लोग आपको देने के लिए तैयार है। आप यकीन करें मेरा भाई, मेरा भांजा अगर लैपटॉप मेरे लिए लाना चाहे, वो नहीं ला सकता, इसलिए उसका एक लैपटॉप होगा, दूसरा लैपटॉप होगा, उसकी ड्यूटी पड़ जाएगी, और जो एंड्रॉइड फोन है उस पर इतनी ड्यूटियां लगी है कि वो भी लेना मुश्किल होगा, जिसके आप पढ़ लीजिए। अब देखिए बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मुझे ये एमपी है एमएनए जो कुछ ये तो हमेशा से होता है, होता चलाएगा, लेकिन सवाल ये है ना कि यार मेरा बच्चा तो सफर कर रहा है, आपका बच्चा सफर कर रहा है, अब मसला ये हो रहा है कि वो जो बच्चे भी अगर बड़ी उसकी में पढ़ते हैं तो वो निकल के अच्छे स्कूलों में अच्छे जगह नौकरी मिल जाती है। आप मैं नाम नहीं लेना चाहिए दारों का, मेरे तो दोस्त और हर जगह बहुत सारे सीओ भी काम करें, वो कहता है भाई आपका बच्चा कहां से पढ़ा, पहले तो लम्स का लेगा, पहले तो आईबी का लेगा, जब मेरे बच्चे ने अगर छोटी इंस्टीट्यूट किया वो तो बेचारा कहीं का रुलता ही रहेगा, ये कौन सा दोहरा में आ रहा है। आप कहते हैं कि एजुकेशन कौन सी जगह, मेरा सवाल है इन दोनों मेहमानों से, देखें एक बात ठीक है, आप खुदा के लिए को इनको सजेशन दे ना माने, लेकिन कोई तो सजेशन ऐसी दे कि ऑनलाइन एजुकेशन को इजी किस तरह किया जाए, मुझे ये तो होगा, तो इसको गवर्नमेंट को हम किस तरह समझाएंगे, किस तरह कहेंगे भाई ये तो एटलीस्ट बेसिक राइट है, आप इतना दावा करते हैं तो ये किस तरह होगा। ये ठीक है, यही बिल्कुल आपने ठीक है, आपका आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। शुजा भाई फरमाइएगा, सवाल आपने सुना, लोग अभी तक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अख्तर भाई और हम काफ़ी अरसे से इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये कोई पॉलिसी तो वज़ा करें। पहली दफ़ा जब ये आपके पास ये ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी, चलें उस वक्त आप अवेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था कि इसको किस तरह हैंडल करना है, फिर आपने दूसरी वेव के अंदर कुछ चीज़ें आपको सीख जानी चाहिए थी, आप नहीं सीख सके, फिर तीसरी वेव भी अब आ गई है, लेकिन अभी तक सूरत हाल वही है, वहीं पर खड़े हैं, साल एक ऑलरेडी आपका ज़ाया हो गया, लेकिन शायद क्योंकि हम आज तक ना तालीम की अहमियत को समझ सके हैं और ना कभी आगे शायद लगता है कि समझ सकेंगे, तो नतीजा फिर यही निकलेगा जो याहिया साहब अभी कह रहे हैं कि आप कोई वाज़े पॉलिसी आपके पास आज तारीख तक है ही नहीं, माँ सिवाय इसके कि आपने एक हल इसका बड़ा आसान सा ढूंढ लिया है कि आप तालीमी इदारों को बंद कर दें। पूरी दुनिया के लिए सबसे तश्वीशनाक बात इस वक्त भी यही है कि तालीमी इदारे बंद ना हो, दूसरी जंग अजीम का आपको पता है कि जंग अजीम जारी थी, लेकिन तालीमी इदारों को बचाया जाए, तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएँ, ये सब की कोशिश थी, लेकिन यहाँ आप बताइए क्या हो रहा है, ज़रा फरमाइए। या देखिए बात फिर वही है कि हम फिर जाके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं अपने हुक्मरानों के, हमारे यहाँ वाकई कोई पॉलिसी नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, इनकी जो मसाइल हैं वो कुछ ज़ाती मसाइल हैं, कौमी मसाइल की तरफ इनका कोई रुझान नहीं है, तो बस ऐसे ही होता रहेगा, फिर हम सब अपने अपने तौर पे इंफरादी तौर पे कोशिशें करते रहेंगे। अभी मेरे भाई ने बात की कि ब्रांड स्कूल
और अब तो ब्रांड हॉस्पिटल भी हैं जनाब। हाँ, ब्रांडेड तो मेरे, मैं ये कहता हूँ कि बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क की। आप डेवलप कंट्रीज में देखें और अब हमारे मुल्क में इतने वसाइल हैं कि इसको डेवलप कंट्रीज में शामिल होना चाहिए। ये हमारा मुल्क जो है, हमारा वतन, तमाम मादनी वसाइल से, तमाम परवरदिगार ने ऐसी नेमत से हमें नवाजा है कि हमें बहुत जल्द डेवलप कंट्रीज में भी सबसे आगे होना चाहिए। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास समंदर है और मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत। लेकिन बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। भाई अभी पीटीआई को या इमरान खान को, पीटीआई को तो मैं नहीं फेवर करता, मैं पीटीआई के स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान को जब कोई क्रिटिसाइज़ करता मैं कहता हूँ इट्स टू अर्ली। अभी आप ये मत कहें कि जनाब वो कुछ नहीं कर पाए, अभी तो 2.5 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद हमें बेहतरी की है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। देखिए स्कूल और सेहत, तालीम और सेहत वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर शहरी का बुनियादी हक है और इसमें बिल्कुल सबको बराबर की जो है वो सहूलत मैसर होनी चाहिए। एक बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा जो है ब्रांडेड स्कूल में पढ़ रहा है, यानी स्कूलों के भी ब्रांड्स हैं और उसी हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स की फीसें फीस है, और वरना फीस जो है वो खुद प्लूरल वर्ड है तो मैंने फीसें जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल उर्दू में उसको कन्वर्ट करते हैं तो फीसें हो जाती। तो प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है वो इतनी महंगी है कि जनाब एक आदमी की सैलरी जो है, अगर वो एक नॉर्मल आदमी की सैलरी इतनी नहीं है जितनी उसकी स्कूल की फीस। तो एक तरह आप देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले ठीक ठाक कमा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल वाले क्यों कमा रहे हैं कि आपने सरकारी स्कूलों का वो हाल कर दिया कि सरकारी स्कूलों में कोई जरा सा भी जो आदमी थोड़ा सा भी कमा रहा है तो वो कहेगा यार मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपको सबसे पहले तमाम स्कूलों को कौमिया लें आप या तो, ठीक है, और सबका एक स्टैंडर्ड रखें ताकि किसी बच्चे को ये कॉम्प्लेक्स ना हो कि मैं किसी ब्रांडेड स्कूल से पढ़ाऊं और मैं जनाब पीले स्कूल से पढ़ाऊं, ठीक है। सारे स्कूल्स का लेवल एक होना चाहिए, हर शहर में हर गांव में स्कूलों का स्टैंडर्ड बिल्कुल एक रखें आप। और रह गई ये बात कि चलें ठीक है ये तो बात एक आइडियल बात है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास वसाइल हैं आप प्राइवेट स्कूल्स के मुंतजमीन को बिठाएं अपने साथ और तमाम स्कूल्स के मुंतजमीन को बिठाएं और उनसे कहें कि जनाब कोई SOPs तय करें। ये कोई हल नहीं है कि आपने बस एक भैया कलम की जुम्बिश से आपने कह दिया कि जनाब बस स्कूल बंद कर दें, मतलब स्कूल बंद कर दें तो क्या कोरोना मर जाएगा? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल में। देखिए फिर वो वाली बात है कि मुझे नहीं पता वज़ीर तालीम कौन है। हमने एक प्रोग्राम हमारे ज़माने में आया करता था कि वज़ीर तालीम हाजिर हों तो उनकी अटेंडेंस लगती थी, वो अपना अंगूठा लगाते सर। अब तो ज़बान ज़्यादा मशहूर है, दीवारों पे नाम लिखा है, बच्चे तो उनकी तस्वीरें अपने कमरों में लगा रहे हैं वज़ीर तालीम की। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि अगर अगला इलेक्शन हो गया तो वज़ीर तालीम वज़ीर आज़म जो है वो ना बन जाए, नौबत तो यहाँ तक आ गई है। नाम लेना जी रहता उससे। देखिए बात यही है कि हमारे जो लोग मास्टर माइंड्स की पोस्ट पर बैठे हुए हैं उन्होंने खुद मास्टर्स नहीं किया हुआ, ठीक है ना, और वो मास्टर माइंड। अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं अभी कुछ देर पहले जब घर से निकल रहा था अपने सुबह का जब बुलेटिन देखता हूँ तो वो एक खबर चल रही थी किसी सूबे के हवाले से, नाम लेना मुनासिब नहीं है लोगों को इल्म है, तो वज़ीर तालीम कोई उनका तस्करा आया। तो यहाँ पर मुझे याद आया कि ऐसे भी वज़ीर तालीम रहे जो सिर्फ 10वीं पास थे, ये आपके मुल्क का हाल है। तो फिर दिमाग उस तरफ जाता है कि जहाँ पर मुल्क में इस तरह का निज़ाम राइज होगा क्या नतीजे निकल सकते हैं, मसला कैसे हल हो सकता है, ये तो ज़रा फरमाइए कि ये जो बातें अभी जो कुछ हुई हैं अख्तर भाई नतीजा कैसे निकल सकता है। अब ये तो एक नई बहस यहाँ पे छिड़ जाती है कि जनाब वो फ़लाना स्कूल है, ये स्कूल है। एक सवाल आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि एक यकसा तालीमी निज़ाम राइज हो सकता है, मुमकिनात में से है, ये ज़रा समझाइए। देखिए मुमकिन तो तमाम तर चीज़ें हैं, पहले मैं एक बात ये कह दूँ कि वो अंगूठा लगाने वाले तालीमी जो वज़ीर हैं, देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ काबिल लोग मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं इस हुकूमत में भी, सूबाई हुकूमतों में भी और वफाकी हुकूमत। मसला उनकी नीयत का है, मसला उनकी तरजीहात का है, अगर उन्होंने पैसा कमाना है या उन्होंने कुछ और जो खर्चा करके आए थे अब उसको पता नहीं 10 टाइम या 20 टाइम करना है। चलिए कदम की माजर, काबिलियत को जांचा कैसे जाए ये तो बताइए, आपने क्या क्राइटेरिया रखा है? बिल्कुल देखिए बात नीयत से होती है, बात काम करने से होती है, जो काम कर रहा होता है ना वो बेशक अंगूठा लगाने वाला भी हो अगर वो उससे लेसन लेकर आया है कि मैं तो अंगूठा छापूं मगर उसका विजन अच्छा है और वो टेक्नोक्रेट लोगों को बिठा के उससे काम लेना जानता है और काम करवाना जानता है
ताकि जिसका फायदा आवाम को, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये जरूरी नहीं कि तालीमी काबिलियत क्या हो, एग्जीक्यूशन हो, पॉलिसीज, बहुत सी पॉलिसीज आप जाएं जाके देखें, इनके झाड़े जरा मिट्टी तो निकल आती हैं और उसमें से कोई भी एडिटिंग करके एक नई पॉलिसी बना के दे देते हैं, ठीक है, मगर उन पे अमल नहीं होता। असल बात है कि अमल करना, बहुत से प्लान बनते हैं, सिस्टम कोई बुरा नहीं होता। हम मैट्रिक सिस्टम को बुरा कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम बुरा नहीं है, मगर स्टेक होल्डर ने बुरा बनाया हुआ है। जो उसके जिम्मेदारान हैं, जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो चाहे प्यून से प्रेसिडेंट क्यों ना हो, या चेयरमैन क्यों ना हो, या पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, जब पेरेंट जाकर ही खड़े हो जाएंगे कि जी मेरा बच्चा जो है किसी वजूहत से जो है वो हो गया, अब ये पैसे लें और इसको पास करें, तो जब तमाम स्टेक होल्डर जो है इस काम में आगे आगे होंगे तो सिस्टम, कैमरा सिस्टम क्यों अभी तक कंट्रोल्ड है, उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 90% वो क्वालिटी उसकी है, ठीक है। राइज निज़ाम जो आपके यहाँ है, आपके यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हो सकते। वो रात का पूरी खबर ये चलती रही, वो 11 जमातें एक तरफ थी, वो किसी मसले के हल के लिए निकली थी, लेकिन वो सबकी राय अलग अलग है। तो कंसेंसस तो पाकिस्तान में कभी भी किसी चीज़ के ऊपर नहीं हो सकता। तालीम तो बड़ा एक ऐसा इशू है कि अगर आप इस मामले के ऊपर किसी से पार्लियामेंट के अंदर बहस करवा लें तो वो बहस जो वो शुरू कहाँ से होगी और जाएगी इस पे कि ये NRO मांग रहे हैं, ये केसेस ख़त्म करा रहे हैं, इसका बाप चोर है। माजरत के साथ ये अल्फाज जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है ना चाहते हुए करनी पड़ती है, ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे और फिर वो बहस कहाँ जाएगी और क्या कानून साजी होगी, सूरत हाल ये है। फरमाइए जी। अख्तर भाई ने जैसा भी मेंशन किया कि नीयतों का बड़ा दखल है इस मामले में। देखिए, आपने जैसे 11 जमातों का जिक्र किया तो उससे सीधी बात यह कि नीयतें सबकी अपनी अपनी ज़ाती मफाद थे, तो जब नीयतें ही आपकी साफ ना हो तो आप मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो वही होता है जो PDM के साथ हुआ। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग पॉलिसी बनाने के लिए बैठे हैं, अगर उनकी नीयतें ये हैं कि जनाब मैंने अपने पैसे कैसे बनाने, मैंने अपने भांजे भतीजे को कैसे आला ओहदों पर लगाना है, तो उससे फिर मामला, तो जो कौमी मसाइल हैं वो तो हल होने वाले हैं, ठीक है। कौमी मसाइल हल करने के लिए हमें बिल्कुल, अख्तर भाई की बात से मैं इत्तफाक करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ना भी हैं, अगर आपकी नीयत साफ है तो और आप मुखलिस हैं कौम के साथ, तो ऐसे बहुत से लोग सियासतदान हैं, हम दुनिया में देखते हैं, आप पड़ोस में देख लें, इंडिया के कौन से, मैं नाम भूल गया, पॉलिटिशियन है, मुश्किल से मैट्रिक पास हैं लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त कामयाब सियासतदान हैं और कौम उनको, लोग जो है पसंद कर रहे हैं, कि आप जब कौम के लिए काम करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, ज़िंदगी इंसान की 60 साल 70 साल बहुत जी लेगा, 90 साल जी लेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो गालिब का एक शेर है कि बारे दुनिया के रहो गमजदा या शाद रहो, कर चलो ऐसा यहाँ कुछ के बहुत याद रहो। ये चाहे इमरान खान हो, चाहे हमारे जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ, जो जो भी हमारे हुक्मरान हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि देखिए ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपकी गुजर गई काफ़ी और थोड़ी सी रह गई, इसमें कुछ ऐसा काम कर जाएं कि आप बहुत याद रहें। आज हम बैठ के जिना साहब को क्यों याद कर रहे हैं, आज हम बैठ के भुट्टो के नाम पे क्यों रोटियां अपनी ताप रहे हैं, इसलिए कि भुट्टो कुछ ऐसा काम कर गए थे जिसको कौम आज तक याद कर रही है। तो खुदा के लिए अब भुट्टो के नाम की तस्बीह चापना छोड़ दें और अपना कुछ ऐसा नाम पैदा करें कि लोग आपको याद करें आपके आने के बाद। फिर ये भी अब शऊर से ही आएगा, और ये तो खैर विजनरी लोग होते हैं, बड़ी माजरत के साथ जो फारसाइटेड होते हैं, मामलात को समझते हैं, फाम रखते हैं सियासत का भी और दीगर मामलात का भी, शायद उनके पास ये चीज़ हो, यहाँ उम्मीद नज़र नहीं आती, बड़ी मदम उम्मीद है। बहरहाल जी, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी तालीम के हवाले से, क्या करें, ऐसा मौजू है जो ऐवानों में ज़ेर बहस आता नहीं है, TV प्रोग्राम्स में शायद वक्त मिलता नहीं है इन सारे मामलों पर गुफ्तगू करें, क्योंकि दीगर और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसकी कोशिश ये करते हैं कि इस छोटे से प्रोग्राम में थोड़ी सी गुफ्तगू इस हवाले से कर ली जाए कि शायद किसी को कभी ख्याल आए
इस मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है गला सड़ा और बोसीदा, इसको कैसे ठीक करना होगा। फरमाइए, कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी। बिल्कुल, मैं तालीमी निज़ाम के, मैं वो मैट्रिक सिस्टम बुरा नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हुक्मरान में बुरे नहीं हैं, अच्छे भी लोग मौजूद हैं। हमें सिर्फ इस मुल्क में एक चीज़ का सुकून है, वो ये है कि कम अज़ कम हमारे बॉर्डर पर हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारा तहफ़ कर लें। ठीक है, उसके अलावा हमारी दादरसी नहीं है, यानी कि आपको गार्ड भी अपना खड़ा करना है गेट पे, चौकीदारा भी, मतलब कुछ भी, आप ईच एंड एवरी आपने खुद कमाना है, डूबो मरो, जॉब है आपके पास नहीं है, स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं इसीलिए अफवाज पाकिस्तान को सलाम करना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको तो सर ने भी कहा कि कुछ भी नहीं मिलता। मैं आवाम को ये कहता हूँ कि कम अज़ कम हम अपने हिस्से का दिया जला सकते हैं। ठीक है, खुदारा आप कंफ्यूज ना हो, घर बैठे हमारे आपके व्यूअर जो हैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्राइवेट स्कूल्स आपकी आखिरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तालीम और शऊर दे पाएँ। ठीक है, और शर्त ये है कि आप स्टेक होल्डर हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है, आप स्कूल के खिलाफ मत जाएं प्राइवेट स्कूल्स के, आपको ये बात रियलाइज़ हो जानी चाहिए, हमारी दादरसी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स कभी सुधरने वाले नहीं है, नेशनलाइज करने की जो सर ने बात की थी वो एक बार हुए थे, उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया था, ज़ियाउल हक़ साहब आए, उसने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को मिन्नतें की कि आप आइए दोबारा स्कूल बनाइए वरना इस मुल्क का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, और फिर वो फैसिलिटीज़ भी दी गई। अब जो है आप एक वाहिद सहारा हैं अपना, खुद अपना, अपने बच्चों का, आपका फ्यूचर जो है तभी बेहतर होगा कि आप प्राइवेट इदारों के साथ अपने उस्ताद की इज्जत करें, अपने बच्चों के उस्ताद की इज्जत करें और उनसे कोऑपरेट करें। ठीक है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, नंबर वन। नंबर टू, आप जिद्दत पसंद पैदा हो, मतलब आप ऑनलाइन को बुरा मत समझें, आपने 2000-4000 का भी आजकल तो स्मार्टफोन आ गया, एक आजकल ऐड मसाइल कहां से लाएं, ये तो कहना बड़ा आसान हो गया है। आप फोन ना लें, आप एक छोटा पीसी लें। ठीक है, हमारे कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि मार्केट में जाए, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स फ्री डिवाइसेस प्रोवाइड नहीं की इस कोविड में, वही तो मैं मसला है जी। प्रोग्राम छोटा है, मैं आपको एविडेंस के साथ बताऊं कि जो कंप्यूटर जो है 10,000 का आता था आज 20,000 में नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो रिपेयर शुदा है, वो लेके आते हैं, वारंटी कुछ नहीं है, खराब होता है। ऐसा ही कहने का मकसद है कि आप अपने बच्चों को IT स्मार्ट बनाएं। अब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, बच्चे दूध पीते बच्चे आपको इसको खेलना जानते हैं, ऐसा ही बोलना शुरू करते हैं, साथ साथ आपका ये डिवाइस चलाना सीखते हैं, IT स्मार्ट बच्चे पैदा हुए हैं। खुदारा अपने बच्चों को आप हाइब्रिड और जो यानी कि ऑनलाइन या LMS के जरिए पढ़वाने की कोशिश करें और स्कूल का साथ दें। कोविड तो आता रहेगा जाता रहेगा, आपके बच्चे घर में हो भी पढ़ें, फेस टू फेस हो भी पढ़ें, मगर किसी भी सूरत में बच्चे की आला तालीम अच्छी होनी चाहिए, जारी रहना चाहिए। ठीक है शुजा भाई, आखिरी चंद अमात हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर मजीद गुफ्तगु कर ली जाए, आपके ख्याल में मुमकिन है वो? मैं तो बड़े सारे इख्तलाफात जो है मेरे हैं इस बात पर, मैं इख्तलाफ राय रखता हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि वक्त की कमी है, वरना इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात की जा सकती है। जैसे कॉलर हमारे कभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, यकीनन वसाइल आपके पास नहीं है, अगर ये तमाम चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करनी, अगेन बात पॉलिसी की है कि अगर आपके पास कोई पॉलिसी मौजूद है तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि पहले आप उसकी इंपोर्ट को आसान बनाते, या अगर कहीं खुदा ना करे पाकिस्तान में अगर ये बन रहा है तो आप जो है उसका एक्सेस लोगों तक देते, फिर जाकर ये तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, वो मरहलावार तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि कोई प्लानिंग सिरे से है ही नहीं, ना किसी को ख्याल है, ना कोई इस बारे में सोचता है, तो ये चीज़ें मटेरियलाइज इतनी आसानी से नहीं हो सकती जैसा अभी अख्तर भाई बात कर रहे थे माजरत के साथ। जी देखिए, जहाँ पर स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती तो वहाँ पर हर आदमी ने फिर इंडिविजुअली सोचना होता है, सोचना होगा, ये सही कह रहे हैं आपने, इंडिविजुअली एफर्ट्स वो करनी पड़ती है। तो अभी आपके कॉलर ने जो सवाल किया था कि जनाब आजकल के दौर में तालीम दिलाना जो है या तालीम का उसूल बड़ा मुश्किल हो गया है, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ बैठें, तालीम का हुसूल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये शुजा भाई एक बड़ी आम सी बात है, ये अक्सर हम करते हैं कि जी माँ बाप टाइम दें। मैं आज देखता हूँ कि जो घर के अखराजात हैं ना एक आम आदमी के, वो तकरीबन 80,000 से 90,000 रुपये तक, लाख रुपये तक पहुँच गए, एक एवरेज फैमिली की मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर पाकिस्तानी की एक आम तनख्वाह 20,000 से 25,000 रुपये या 30,000 रुपये, बहुत ज़्यादा होगा अगर उसकी 40,000 रुपये। अब आप बताएं उसको मैनेज करने के लिए वो घर पे वक्त दे सकेगा? उसको लाजमी 2 से 3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं, जो लोग नहीं वो कर पा रहे,
वो रात में भी बैठ के बेचारे कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं, ये इस वक्त आपने सूरत हाल बना दी है, तो ये मौशी पहलू को भी तो समझे कोई। ये कहना तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान है कि जी ठीक है जी वक्त दें, अब ये माँ बाप कहाँ से वक्त लाएं जो सुबह 7 बजे घर निकल रहे हैं, रात को 12 बजे घर के अंदर दाखिल हो रहा है, कैसे मुमकिन है, ये भी तो समझाइए ज़रा। यासिर भाई, कौमों पे अच्छे बुरे वक्त आते हैं, ठीक है, हमारे सामने फिर मैं आपको जापान, लेकिन एक मैं खुशा भाई मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मैं ये बढ़िए जुमला जब से मैंने आँख खोली है मैं ये जो तकरीरें टीवी पे सुनता आया हूँ कि ये कौम इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, वो 47 से लेकर आज तक वो मुश्किल दौर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, वो नाम क्यों नहीं लिया जाता, जिससे आप पूछेंगे उसके तकरीर का पहला जुमला जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि इस वक्त कौम बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, ये बताइए मुश्किल दौर से कब निकले। मुश्किल दौर से मुश्किल दौर चलता रहेगा अगर आपने उसके इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। मैं आपको मिसाल दे रहा था जापान की, कि जापान में जब बहुत गुर्बत हो गई, लोगों को पास बच्चों के दिलाने के लिए खिलौने नहीं थे, तो उन्होंने कागज़ के खिलौने बना के देना शुरू कर दिए, और फिर वो कागज़ के खिलौने इतने पॉपुलर हो गए कि आज वो ओरिगामी के नाम से आर्ट बन गया। ऐसा ही आर्ट। तो हमें जो है आज के दौर में तालीम का हुसूल इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठ के मैट्रिक का कोर्स पढ़ लीजिए, घर बैठ के मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, जो चाहे आप ऑनलाइन, थोड़ा सा आपको ऑनलाइन पे काम करना होगा, आपको इंटरनेट पे काम करना होगा, और इंटरनेट पे सर्फिंग करें तो हर चीज़ आप अंग्रेज़ी घर बैठे सीख लीजिए, आप कोई सी ज़ुबान घर बैठे सीख लीजिए, यानी मैं कहता हूँ एटम बम से ले सुई से लेके एटम बम तक बनाने के तरीके जो है आप कंप्यूटर पर बैठ के आप सीख सकते हैं, तो आपको कंप्यूटर स्मार्ट बनाना होगा अपने बच्चों को, जैसे अख्तर भाई ने कहा, और बिल्कुल ये कि हमें कौमी सोच बनानी होगी। बिल्कुल ठीक है। हम पिछले 70 साल से यही कहे, जब से पाकिस्तान बना था उस वक्त से वो नाजुक दौर से गुजर रहा था, और आज भी हम नाजुक दौर से ही गुजर रहे हैं। वो नाजुक दौर कब ख़त्म होगा, जब हमारे हुक्मरान, और हुक्मरान कहाँ से आते हैं, हम में से आते हैं, ठीक है, मैं ही आज बैठा हुआ जो है हुक्मरान के खिलाफ। अच्छा, ये हम में से नहीं है ये भी आज जो है वो हो जाए कि अक्सर ये हबे कहा जाता है कि आप में से हैं, ये हम में से नहीं है, ये भी बात क्लियर हो जाए। मैं आपको प्रूफ दे सकती वाले हम में से हो सकते, मैं ये अख्तर भाई ने समेट दी, पूरा समंदर को जो कूजे में समो दिया है कि ये हम में से नहीं है। जी आगे बढ़िए। यही है ना कि हमें जब तक हम खुद अपने आप को ठीक करें, फर्द से जो है कौम बनती है, तो हम अगर इंफरादी अपनी सोच जो है पॉजिटिव रखें और हम खुद कोशिश करें, हर शख्स ये कोशिश करे कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं, बजाय ऐसे कि मैं क्रिटिसाइज़ करूं कि जनाब फलाने लोग ऐसा करते हैं, फलाने लोग ऐसा करते हैं, मैं अपने आप को बेहतर कर लूं, जितना मेरे बस में है मैं एक दरख्त लगा दूं, मैं एक छोटा सा पौधा लगा दूं, उसको पानी देना शुरू कर दूं, मैं किसी बच्चे को फारिग वक्त में बैठा होता हूं, मैं किसी को जाके तालीम दे दूं, जिस वक्त मेरे पास टाइम हो। हम सबको डेवलप कंट्रीज़ में, जापान जैसा मुल्क जहां पे लोगों के पास टाइम नहीं होता, मैंने एक औरत से पूछा कि तुम क्या करती हो, कह रही मैं हर वीक में जो है अस्पताल जाती हूँ। मैं कहा तुम कोई नर्स हो, कह रही नहीं मैं नर्स नहीं। मैं कहा क्यों जाती हो तुम अस्पताल, कह रही मैं वॉलंटरली काम करती हूँ, वहाँ तो कोई गुनाह सवाब का कोई तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन वो ये समझते हैं कि इंसानियत जो है वो अच्छे काम करने का नाम है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप बिला तफरीक मज़हब और नस्ल के आप जाएं किसी की खिदमत कर दें, हफ्ते में एक दिन निकाल लें, महीने में एक दिन निकाल लें, आप महीने में एक घंटा निकाल लें। अगर हम सब ये सोचें कि यार हम महीने में एक घंटा निकालेंगे और जाके हम किसी की जाके मदद करेंगे। सुनने की बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। यकीनन जो बड़ी कौमें हैं उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ पहले तो ईद पे जो जाया करते थे ना, वो शायद ईद पे भी जाने का मौका नहीं मिल पाता। ये सूरत हाल मौशी हालत क्योंकि ऐसी हो गई है, क्योंकि इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें जब डिफ़ाइन की ना, उसको अपनी मखलूक का ना अच्छे से इल्म था, उसको पता था कि जब पेट में इसके रोटी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी, एग्जीक्यूट नहीं करेंगी, इसलिए उसने कंडीशन लगा दी कि पहले भूखे को खाना खिलाओ और उसके बाद फिर उससे जो डिमांड आप कर रहे हो या सोसाइटी की नीड्स अगर पूरी करने की बात कर रहे हो उसकी तरफ जाओ। तो ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अख्तर भाई क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं अख्तर भाई की तरफ बोल जाऊंगा। देखें अब जो हैंड टू माउथ मिडिल क्लास थी या लोअर क्लास थी, हैंड टू माउथ, अब वो बीच की रह गई है, वो माउथ तक यानी कि उसका पेट भी नहीं भर रहा। नहीं, आपने उसका हाथ भी काट दिया और मुंह से दांत भी उसके निकाल दिए। आमदनी के वो नफसियाती मरीज होगा या नहीं होगा, वो जरा माश की फिक्र में रहेगा नहीं रहेगा, बच्चों को क्या खिलाए और क्या पढ़ाए, क्या पहनाए उनको, क्या उनको मेडिकल फैसिलिटी दे, वो तो जाके फिर क्या करता है बेचारा। मेरी नॉलेज में है कि बहुत से ऐसे लोग जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 25 हज़ार कमा रहे हैं, वो एक या दो वक्त का खाना जो है वो बाहर किसी भी दस्तरखान से खा के आते हैं, दस्तरखान से खा के आते हैं, अपनी सफेद पोशी को चुपके से छुपा के किसी और एरिया से खा के आते हैं।
वो आके बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि वहां से कोशिश करते हैं कि कोई जेब में डाल के किसी शॉपर में लेकर जाएं। आप शायद नोटिस कर चुके होंगे, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। जब 25,000 में आप बजट बना के दिखा दें मुझे, कोई भी, मैं इन हुक्मरानों को कहता हूँ, इस मिनिस्टरों को कहता, 25,000 रुपए की या 15,000 की या 20,000 की एक घर की बजट बना के दिखा दे, हम मान जाएंगे आपको। तो इनको कोई फिक्र नहीं है, आवाम को खुद फिक्र करनी है, और अल्लाह के वास्ते जो है अपने बच्चों को पढ़ाइए और वो स्किल दीजिए इनको जो फ्यूचर के स्किल्स हैं। IT स्मार्ट बनाइए, आपका बच्चा 9-10 का कमा सकता है ऑनलाइन काम करके, 2 घंटे ऑनलाइन सीख जाए, बशर्त ये उसको पता हो कि वो बैठ के 2-3 घंटे कम के करके कुछ ना कुछ डॉलर, $10 कमा सकता है डेली। बिल्कुल ऐसा ही अख्तर भाई, वक्त क्योंकि अब आखिरी चंद लम्हात हैं, शुजा भाई अगर कुछ इसके ऊपर कहना चाहें, गुफ्तगू तो खैर बड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वक्त क्योंकि अब बिल्कुल पहले सेगमेंट का खत्म हो चुका है। जी मैं एक शेर से बात अपनी ख़त्म करूंगा कि नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। वक्त मुश्किल है, हमें मेहनत करनी है, हम सब ने मेहनत करनी है, हम सब जिसको जहाँ मौका मिले वो मेहनत करें। बाप की ज़िम्मेदारी है पैसे कमाना, माँ अपनी ज़िम्मेदारी समझे बच्चों को, माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो औलाद पढ़ी लिखी होगी, तो तालीम जो है वो सबसे बेहतरीन जो है हथियार है हम लोगों का। खुदा के लिए अपने कम कमाई की वजह से अपने बच्चों को तालीम से दूर ना करें, किसी भी सूरत करके जान लड़ाएं, ये आपका सदका जारिया होगा अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी नस्ल के लिए। अल्लाह करे ऐसा मुमकिन हो सके। शुजा अदर, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अख्तर भाई थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है और ये इंशाल्लाह नशस्त आगे चलती रहेगी। जी मसला है जी, तालीम हमारे लिए मसला ही, अब इसको कहना पड़ता है और सोचने की ज़रूरत है। गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जो दीगर जो मसाइल हैं जिसके ऊपर रात रात भर जो है वो गुफ्तगू होती रही, सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी इस वक्त मचा हुआ है, इससे निकल के थोड़ा ज़रा सोचें जो रियल इश्यूज़ हैं, असल मसाइल जो हमारे हैं, इसके बारे में खुदारा सोचें, आप भी सोचें, हम भी सोचें, उनसे उम्मीद ना रखें जिनसे आपने उम्मीद लगाई है कि ये आपके लिए कुछ करेंगे। जैसे अभी हमारे मेहमान अख्तर आरानी साहब ने कहा कि अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करें, ना मसाइब हालात हैं लेकिन अगर अपनी कोशिश करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ सूरत हाल में बेहतरी ज़रूर आएगी। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट हमारा होगा, हमारे मेहमान स्केड्यूल गेस्ट यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।